गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन पर कहा कि अब तो सारा देश समझ गया है कि किसान आंदोलन टुकड़े टुकड़े गैंग ने संचालित कर भ्रम फैलाने का कार्य किया था। न कहीं मंडी बंद हुई है न धान खरीदी। नरोत्तम ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सबसे पहले कांग्रेस को प्रशिक्षण राहुल गांधी को देना चाहिए, जो कि किसानों में भ्रम फैलाकर इटली में न्यू ईयर मना रहे थे। पत्थरबाजों को लेकर नरोत्तम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इनके खिलाफ कठोर कानून बनाए जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि पत्थर जहाँ से आएंगे उन्हीं घर से पत्थर निकाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कश्मीर में पत्थर फेंकते थे तो भटके हुए नौजवान कहा जाता था, अब क्या कहेंगे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग। उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो पत्थरबाजों पर कानून बनाया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब पूरा देश जान गया है कि किसान कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और ये कार्य टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा किया जा रहा है। किसान समझ गए हैं कि ये कानून इनके हित में है। कहीं भी ना मंडी बंद हुई है ना खरीद बंद हुई है। उन्होंने राहुल गांधी के किसान आंदोलन को छोड़कर इटली जाने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को सबसे पहले प्रशिक्षण अपने नेता राहुल गांधी को देना चाहिए, जो देश छोड़कर इटली में न्यू ईयर मनाने गए हैं। शुरुआत गंगोत्री से हो तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे विश्व में पीएम मोदी की अगुवाई में हम विश्व गुरु बनेंगे। अब तो जमाना भी यही कह रहा है, हमारे पीएम ने आपदा को अवसर में बदलना आता है। कश्मीर में पत्थर फेंकते थे तो कहते थे भटके हुए नौजवान है, और यहाँ क्या कहेंगे तुष्टीकरण वाले। हमने तो तब भी कहा था जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं से पत्थर निकाले जाएंगे। ऐसे लोग जो समाज की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, ये मध्य प्रदेश की सरकार है या कानून का राज है, और जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई और कानून बनाएंगे। कह तो रहे हैं वो बहुत दिनों से, दिख नहीं रहे हैं। और बड़ी संख्या तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी जो कार्यक्रम हुए वहाँ नहीं दिखे। देखिए अब तो पूरे देश का किसान समझ गया है कि ये पूरा आंदोलन जो है वो टुकड़े टुकड़े गेंद के द्वारा संचालित है और भ्रम फैलाने वाला आंदोलन है। 6-8 महीने हो गए उसको आए हुए, कोई मंडी आज तक मध्य प्रदेश की बंद नहीं हुई, कोई MSP बंद नहीं, उसके बाद में धान खरीदी भी हो गई, अन्य जींस भी खरीदी हो गई, और इसलिए सारे लोग वो जो भ्रम फैला के भय फैला रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ पहले तो उनको प्रशिक्षण, जिसको वो युवा कहते हैं जो इटली में है, उनको दें कि जब देश में लोग किसान लोग सड़क पर बैठे हों जिन्हें वो उकसा रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, उस समय तो कम से कम नया साल मनाने या पार्टी मनाने नहीं जाना चाहिए। तो शुरुआत हो गंगोत्री पर ही पवित्र करें। सच में हमारा माता गर्भ से गौरवान्वित होता है, देश के हर नागरिक का माता गर्भ से गौरवान्वित होता है, भारत माता का माथा भी गर्भ से गौरवान्वित होता है जब मोदी जैसी एक शख्सियत इस देश का नेतृत्व करती है। आज वैश्विक क्षितिज पर, अब हम नहीं कहते जमाना कहता है, आज वैश्विक क्षितिज पर जिस तरह से मोदी जी ने एक वैश्विक नेता की छवि स्थापित की है, वास्तव में आज लगता है कि भारत पुनः विश्वगुरु हो सकता है उनके नेतृत्व में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।